जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। खुदावन ने हम सबको दी है कि हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, उसका गुणगान कर सकें। आए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ में जाएंगे, उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं एक प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहनें सभी अपने सिरों को ढक लें। हालेलुया 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 हालेलुया। जलाली बाप आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु सर्वशक्तिमान सर्व दयालु कृपालु परमेश्वर आपका धन्यवाद। आप आदि और अंत अल्फा और ओमेगा है पिता परमेश्वर, आपने इंसान को रचा है और आप अपने रचे गए इंसान से प्रेम करते हैं। हो पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि आपका रचा गया इंसान, आपका बनाया गया मनुष्य खुदावंत आपके नक्शे कदमों पर चले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की लाइव स्ट्रीम मैसेज पर आपके बेटे सुखी बरकत मांगते हैं। जब वचन से पहले तेरे बच्चे तेरी महिमा के लिए गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, होने दे तेरे स्वर्ग में कबूल होने पाए और सुनने वालों को देखने वालों को आशीष मिलने पाए। और आज का कलाम आज का वचन तेरे लोगों के लिए उनकी जिंदगियों के लिए आत्मिक उन्नति लेकर आने वाला हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी एसपीटी की मीडिया टीम को अपने हाथों में लेकर चलाए। आज का वचन सुनना सुनाना हम सबों के लिए बड़ी बरकत लेकर आए। पवित्र आत्मा जी आप पूरे खुदावंत वचन में आप अपना कार्य कीजिए। आपका वचन कहता है कि तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। सचमुच पिता परमेश्वर, हम जब तेरे लिए तेरे वचनों के लिए अपना मुंह खोले तो पिता परमेश्वर आप अपने खुदावंत वचनों के द्वारा हमें मुंह को भर देंगे। और खुदावंत आपका कलाम जब खुदावंत हमारे अंदर से निकलेगा, खुदावंत आपकी तरफ से निकलेगा, आपके आत्मा की तरफ से निकलेगा, तो लोगों के लिए चंगाई आशीष और छुटकारा लेकर आएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारे समय को तेरे सामर्थ्य और पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। आए हम प्रभु की महिमा के लिए छोटा सा भजन गाएंगे, गीत गाएंगे और साथ साथ आप ताली बजाएं, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज का हमें यह दिन दिया है, आज का ये समय दिया है और हम इन समय को यूं ही ना गंवाएं बल्कि परमेश्वर के नाम में गुजारें। हालेलुया। आए सब जन ताली बजा के बच्चों का साथ देते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप सबको जय मसीह की। और आए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। मीठा नाम Yeah.
Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Victory in the blood of Jesus. Hallelujah. Mitha naam Yehovah da. Hallelujah. Mere dil vich vas jave.
सो प्रभु का नाम सचमुच मीठा उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं, परमेश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं, उनके लिए हमारे परमेश्वर का नाम मीठा है। हालेलुया। सो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों को, आप सबको फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आज के दिन, आज की शाम में बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। परमेश्वर आपके परिवारों में, आपके कारोबार में, आपकी ड्यूटी में आपको सुख शांति दे, आपको तंदुरुस्ती दे और आप सदा प्रभु में बढ़ते जाए। हालेलुया। आए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का वचन का टॉपिक है हगे की किताब एक अध्याय उसकी 7 आयत। सेनाओं का यहोवा यूं तुमसे कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। द्वारा से पढ़ दीजिए। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं तुमसे कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का वचन हमें सोचने के लिए कहता है। हालेलुया। क्या कहता है? सोचने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सोचने के लिए कहता है, विचार करने के लिए कहता है कि हम सोचें। क्या सोचने के लिए कहता है? क्या हमारे कल के बारे में हमें सोचने के लिए कहता है? क्या हमारे भविष्य के बारे में हमें सोचने के लिए कहता है? क्या हमें रोटी, कपड़ा या मकान के बारे में सोचने के लिए कहता है? नहीं, परमेश्वर का वचन हमें कुछ और ही सोचने के लिए कहता है। हालेलुया। ये रोटी, ये कपड़ा, ये मकान, ये भविष्य हमारा तो परमेश्वर के हाथों में है। और जो लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर उन्हें सभी चीजों की उपलब्धियां करवाता है। हालेलुया। हमने पढ़ा परमेश्वर का वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि सोचो। हालेलुया। हमें सोचना है, हमें विचार करना है, हमें ये इस चीज पे अपने सोच को रखना है, विचार को रखना है कि हमारा चाल चलन कैसा है। हालेलुया। चाल चलन का मतलब क्या होता है? चाल चलन का मतलब हमारा करैक्टर, हमारी डीलिंग, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारी दिनचर्या के काम। हालेलुया। इसको बोला जाता है चाल चलन। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी डीलिंग कैसी है, हमारा करैक्टर कैसा है, हमारी बोलवानी कैसी है, हमारा दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, हमारा दूसरों के साथ लेन देन कैसा है, इसको कहते हैं चाल चलन। सो सेनाओं का यहोवा कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। कौन कहता है? परमेश्वर का वचन, यानी कि सेनाओं का यहोवा अपने लोगों से, अपने बच्चों से, अपने भक्तों से कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। अपने अपने चाल चलन के बारे में सोचना है। काफी लोग अपने कल के बारे में सोचते रहते हैं, काफी लोग अपने कल की ड्यूटी के बारे में सोचते रहते हैं, कल कई लोग अपने कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसके बारे में सोचते रहते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। सो हमें अपने अपने चाल चलन बारे सोचना है कि हमारा चाल चलन कैसा है। क्या प्रभु के वचन के मुताबिक है या प्रभु के वचन से बाहर है? क्या प्रभु का वचन हमें, जो हम कार्य करते हैं, दिनचर्या में अपने कार्यों को रखते हैं, हमारी जो जीवन शैली है, क्या वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है? क्या वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है? क्या परमेश्वर हमारे चाल चलन से खुश होता है? हमें ये सोच कर चलना है कि हमारा चाल चलन कैसा है। हो सकता है आपका चाल चलन आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में अच्छा हो। हो सकता है आपका चाल चलन जहाँ पर आप ड्यूटी करते हो, आप बिजनेस करने जाते हो या कारोबार करते हो, आपके पार्टनर जो जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रखी है उसके सामने आपका चाल चलन अच्छा हो। पर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपने अपने चाल चलन के बारे में सोचो। सो अपने अपनी निगाह में सबका चाल चलन अच्छा ही होता है। कहते हैं कि हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, हमारी डीलिंग अच्छी है, हमारा करैक्टर अच्छा है। पर सेनाओं का यहोवा परमेश्वर
अपने वचन के अनुसार कहता है कि मेरे वचन के अनुसार सोचो कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है। हालेलुया। आपके परिवार के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने, जहां पर आप ड्यूटी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां पर हो सकता है आपका चाल चलन अच्छा हो सकता है लोग आपको चाल चलन को अच्छा कहते हो कि ये इंसान बहुत अच्छा है, मनुष्य बहुत अच्छा है, व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये बुजुर्ग बहुत अच्छे हैं। पर सोच कर देखिए कि परमेश्वर की निगाह में आपका जो चाल चलन है वो कैसा है। सोच कर देखे कि क्या आपका चाल चलन परमेश्वर के वचन के मुताबिक है। सोच कर देखे कि क्या आपके चाल चलन से परमेश्वर खुश है। सोच कर देखे कि क्या आपका चाल चलन जैसे परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है, परमेश्वर का वचन हमें इजाजत देता है, क्या उसी के मुताबिक है। हमें ये सोच कर चलना है। अगर हम विलाप गीत की किताब 3 अध्याय उसकी 40 आयत में पढ़ें, हम अपने चाल चलन की ध्यान से परखें। वचन कहता है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से क्या करें, परखें। हम अपने चाल चलन को परखें कि हमारा चाल चलन और यहोवा की ओर फिरें। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। जी, वचन कहता है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, ध्यान से उसको चेक करें, ध्यान से उसका टेस्ट करें, ध्यान से उसको परखें और यहोवा की ओर फिरें। और अगर हमें लगता है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है तो हम क्या करें, यहोवा की ओर फिरें। हालेलुया। ये हमने सोचना है कि परमेश्वर की निगाह में हमारा चाल चलन कहता है। अपनी चाल, अपनी निगाह में सबका चाल चलन सही होता है, फिर हमें परमेश्वर की निगाह में सोचना है कि हमारा चाल चलन कैसा है। नीति वचन 21 अध्याय उसकी 2 आयत में देखें, मनुष्य का सारा चाल चलन, बाइबल कहती है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता अपनी है, अपनी दृष्टि में, अपनी निगाह में, अपने आप में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता पर है। यहोवा परमेश्वर किसको जांचता है, मन को जांचता है। अपनी दृष्टि में तो सभी कहते हैं कि मेरा चाल चलन सही है, मैं बिल्कुल सही व्यक्ति हूँ, मेरी दोस्ती सही लोगों के साथ है, मेरा कारोबार ड्यूटी सही लोगों के साथ है, पर वचन क्या कहता है कि यहोवा किसको जांचता है, मन को जांचता है। सो परमेश्वर हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदरूनी बातों को भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। बहुत लोग दुनिया की नजरों में सही होते हैं, पर याद रखें काफी लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की नजरों में अच्छे नहीं होते, यानी कि परमेश्वर की नजरों में उनका चाल चलन साफ सुथरा नहीं होता, परमेश्वर की नजरों में उनका चाल चलन बढ़िया नहीं होता, दुनिया की, समाज की नजरों में उनका चाल चलन अच्छा होता है, पर वचन के मुताबिक यानी कि परमेश्वर की निगाह में उनका चाल चलन अच्छा नहीं होता। पर जब परमेश्वर ने किसी को आशीष देनी है, बरकत देनी है, उसने अपनी स्कैनिंग रिपोर्ट के हिसाब से उनको आशीष देनी है, उसने समाज की या उनके परिवार की या उनके आस पड़ोस की निगाह को देकर उनको आशीष नहीं देनी। परमेश्वर ने अपनी स्कैनिंग रिपोर्ट के हिसाब से उनको आशीष देनी है। परमेश्वर ने किसी के स्कैनिंग रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी, परमेश्वर ने अपने भक्त को, अपने बच्चे को आशीष नहीं देनी। हालेलुया। जैसे हम हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपना ये ब्लड टेस्ट कराओ, आप अपना ये खून टेस्ट कराओ, आप अपना ये टेस्ट करवाओ, तो हॉस्पिटल वालों की क्या होती है कि अगर आप हमारे हॉस्पिटल से ही टेस्ट कराओगे उसकी ही मान्यता हमारे सामने है। हालेलुया। दूसरे हॉस्पिटल से या दूसरे किसी लैब से आप टेस्ट करवा के लेकर आओगे तो हमारे हॉस्पिटल के मुताबिक उसकी मान्यता नहीं है, चाहे वो आपने एक दिन पहले क्यों ना टेस्ट करवाया हो, आपको हमारे कहे अनुसार और जहाँ पर हम कहते हैं, जिस समय हम कहते हैं, वही टेस्ट की मान्यता हमारे हॉस्पिटल के मुताबिक है। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर ने जब किसी इंसान को बरकत देनी है, आशीष देनी है, खुशी देनी है, शांति देनी है, तो परमेश्वर ने अपनी स्कैनिंग रिपोर्ट के हिसाब से किसी को आशीष देनी है। उसने संसार की नजरों को देखते हुए आशीष नहीं देनी कि संसार इससे बहुत प्रेम करता है, संसार की निगाह में ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, संसार की निगाह में इसका चाल चलन बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने किसी की दृष्टि को देख के, किसी की निगाह में कैसा ये व्यक्ति चल रहा है उसको देखकर आशीष नहीं देनी, बल्कि परमेश्वर ने अपनी स्कैनिंग रिपोर्ट के हिसाब से आशीष देनी है। सो हमें सोच कर देखना है कि हम परमेश्वर की स्कैनिंग रिपोर्ट अगर हमारी करें तो हम, हमारे परमेश्वर की स्कैनिंग रिपोर्ट में हमारा चाल चलन कैसा होगा।
सोचो, आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, जिसने हमें आशीष देनी है, जिसने हमें बरकत देनी है, जिसने हमें चंगाई देनी है, उसने अपनी स्कैनिंग रिपोर्ट में देखना है कि हमारा चाल चलन कैसा है। सो आज हमें ये देखकर चलना है कि हमारा चाल चलन कैसा है। हालेलुया, क्या प्रभु की नज़रों में सही है या प्रभु की नज़रों में सही नहीं है। जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु को नहीं पहचानते थे, आप जैसे मर्जी चलते थे, जैसे मर्जी उठते थे, जैसे मर्जी काम करते थे, जैसे मर्जी आप चोरी करते थे, ठगी करते थे, लूट मार करते थे, धोखा देते थे, किसी लेन देन करते थे तो समय पर नहीं देते थे, आप व्यभिचार में पड़े हुए थे। पर जब आपने प्रभु को जान लिया, जब आपने प्रभु को पहचान लिया, तो याद रखिए अब आपका वैसा चाल चलन नहीं परमेश्वर के सामने चलेगा। हालेलुया, पहले आप किसी से पैसे लेकर दो दिन के लिए लेते थे और दो दो महीने, दो दो साल तक नहीं देते थे, अब आपका वैसा चाल चलन नहीं चलेगा। पहले आप कैसी भी दोस्ती किसी के साथ भी पा लेते थे, लड़के लड़कियों के साथ डाल लेते थे, लड़कियां लड़कियों के साथ डाल लेते थे, पर जब आपने मसीह को जान लिया तब आपका ऐसा चाल चलन नहीं चलेगा। हालेलुया, पहले आप किसी के साथ धोखा कर लेते थे, किसी के साथ फरेब कर लेते थे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा खाम खा कर लेते थे, किसी के साथ मारकूट कर लेते थे, किसी के साथ खाम खा लड़ाई झगड़ा के चक्रों में पड़ जाते थे, पर वैसे अब नहीं चलेगा क्योंकि आपने परमेश्वर को जान लिया है। जब आप संसार में थे आप कुछ भी करते थे वो आपका अपना हिसाब किताब था कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था, पर वचन को जब हमने जान लिया, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, तब आपका वैसा चाल चलन नहीं चलेगा। हालेलुया, अगर हम रोमियो की किताब 12 अध्याय की 2 आयत में पढ़ के देखें, इस संसार के सदृश ना बनो, वचन कहता है इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यानी कि जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु में आप आ गए, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलता जाए। हालेलुया, पहले आप कैसी भी जिंदगी जीते थे, कैसे भी चलते थे, पर अब वैसे नहीं चलने पाएंगे क्योंकि आपने मसीह की सच्चाई को जान लिया है और मसीह के वचन को जान लिया है, और जब हमने मसीह के वचन को जान लिया है तब हम वैसे नहीं चलेंगे। हालेलुया, अगर आप फिर भी वैसे चलेंगे तो आपका मसीह के पास आना, प्रभु की संगति करना, प्रभु के घर में आना, दान चंदे दशमांश देना, प्रार्थना करना आपके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं देगा जब तक आप अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ नहीं देते। पुराने मनुष्यत्व में आप बहुत ऐसे कार्य करते थे जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ थे, जो परमेश्वर की निगाह में घृणित काम थे वैसे काम करते थे, पर जब आपने प्रभु को जान लिया, प्रभु की सच्चाई को, प्रभु के वचन को जान लिया, तब ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपने चाल चलन को क्या करना है, बदलना है। वचन में हमने क्या पढ़ा, इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। आपको अपने चाल चलन को बदल के चलना है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से आशीषों की उम्मीद करते हैं, प्रभु से बरकतों की आशा रखते हैं, तो आपको अपने चाल चलन को बदलना है। हालेलुया, अगर हम इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसकी 22 आयत में देखें, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को क्या करो, जो भरमाने वाली आत्मा थी उसको क्या करो, उतार डालो, फेंक डालो, उसको पूरी तरह से आप छोड़ दो। हालेलुया, तभी आपका मसीह की भक्ति करने का फायदा है, मसीह के पास आने का फायदा है, तभी मसीह से आप आशीष पा सकते हैं, तभी मसीह से आप शांति पा सकते हैं, तभी आप मसीह के पास आके खुशी पा सकते हैं, जब आप अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देंगे, जब आप अपने पुराने चाल चलन को छोड़ देंगे, जब आप प्रभु के मुताबिक अपना चाल चलन रखेंगे। हालेलुया, कई लोग मुंह से शक्ल से देखे जाए तो बहुत शरीफ लगते हैं, बहुत ही भोले लगते हैं, पर उनका चाल चलन जो होता है परमेश्वर के वचन के मुताबिक बिल्कुल उल्ट होता है, यानी कि बिल्कुल विपरीत होता है। वो परमेश्वर में भी होते होते भी ऐसी गलतियों में, ऐसे पापों में, ऐसे गुनाहों में, ऐसे अपने चाल चलन को रखते हैं जो परमेश्वर के सामने बिल्कुल
बिल्कुल परमेश्वर के सामने बिल्कुल एक दुखी करने वाले काम होते हैं, परमेश्वर की निगाह में बहुत ही घृणित यानी कि नफरत वाले काम होते हैं, वो लोग फिर भी अपनी चाल चलन को ऐसे रखते हैं। पर याद रखिए, ऐसे चाल चलन रखने वाले लोग परमेश्वर से कुछ भी आशीष नहीं पा सकते, कुछ भी बरकत नहीं पा सकते। ऐसे लोग ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से कुछ भी बरकत नहीं पा सकेंगे। जो शक्ल से अपने आप को भोले दिखाते हैं, जो देखने में कितने मासूम लगते हैं, कितने भोले लगते हैं, कितने देखने में शरीफ लगते हैं, संसार के लोग, दुनिया के लोग, समाज के लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति, ये इंसान, ये बेटा, ये बेटी कितने शरीफ हैं, कितने भोले हैं, पर अगर उनकी स्कैनिंग रिपोर्ट परमेश्वर के हिसाब से की जाए तो वो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल उलट होते हैं, परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत होते हैं। सो ऐसे लोग याद रखिए धोखे में हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पास आकर की परमेश्वर से जो भी कुछ भी आशीष नहीं पा सकेंगे। अगर हम मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय उसकी 27-28 में देखिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कपटी शास्त्रियों के बारे में वहां पर क्या कहा। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों, फरीसियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर क्या हो हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती जो है, जो ऊपर से तो लोगों को सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों, परंतु भीतर से यानी कि अंदर से मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं, और सब प्रकार की मलिनता से यानी कि गंदगी से वो क्या है, भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। इसी रीति से तुम भी फकी फरीसियों को प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम भी ऊपर से मनुष्यों को, संसार को क्या करते हो, धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। परंतु तुम अंदर से अपने भीतर से कपट से, अधर्म से क्या हो, भरे हुए हो। हालेलुया। सो ऐसे लोग याद रखें, वो धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कहलाते हैं मसीह के, और अपने चाल चलन को पुराने मनुष्यत्व जैसा रखते हैं, पुरानी जिंदगी जैसा रखते हैं। याद रखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से बरकत पाना चाहते हैं, तो आपको अपने चाल चलन को क्या करना है, बदल के चलना है, अपने पुराने मनुष्यत्व को फेंक देना है, अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या करना है, उतार देना है। परमेश्वर मनुष्य की बुरी चाल से बहुत ही नफरत करता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका रचा गया इंसान बुरी चाल चले, गंदी चाल चले, जो लोगों के सामने, समाज के सामने गंदी हो। याद रखिए, जब आप समाज के सामने गंदी चाल चलते हैं यानी कि बुरी चाल चलते हैं, तो याद रखिए आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की यानी कि इंसल्ट करते हैं। सो परमेश्वर ने आपको रचा है अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर ने आपको बनाया है अपनी उपासना के लिए। पर जो लोग उसके वचन के खिलाफ होकर चलते हैं, उसके वचन के विरोध में होकर चलते हैं, यानी कि उसके वचन को कुछ नहीं समझते, परमेश्वर उनको दंड देगा। हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय उसके 19 आयत में देखें, तो बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है, तो बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। तेरी दृष्टि, प्रभु का दास कह रहा है प्रभु को कि तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, थोड़े चाल चलन पर नहीं बल्कि सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तू हर एक के चाल चलन और उसके कर्म का क्या करता है, फल भुगताता है। लोग जैसे प्रभु के सामने चाल चलन रखते हैं, वचन कहता है कि उसके हिसाब से प्रभु उसका क्या करता है, उसको दंड देता है, उसका फल भुगताता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको अपने चाल चलन को बदल के चलना है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वचन जिस कार्य के लिए आज्ञा देता है, जिस काम के लिए आज्ञा देता है, आपको वो काम करना है, आपको वैसा चाल चलन रखना है, तभी आप परमेश्वर से बरकत पा सकते हैं, तभी आप परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। सो याद रखिए, ये इंसान की चाल चलन ये नहीं कि अभी इसी सदी से बिगड़ी है या खराब हुई है या बुरी चाल से है, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, सृष्टि की शुरुआत से ही इंसान क्या करना चाहता है, अपनी मर्जी से चलना चाहता है, अपनी पसंद की चाल चलना चाहता है। अगर हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय की 11 और 12 में देखें,
उत्पत्ति की किताब 6:11। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। वचन में लिखा है कि उस समय, यानी कि पहले सृष्टि में, हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ रहे हैं 6 अध्याय में, उस समय क्या हुआ? उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की निगाह में क्या हो गई थी? बिगड़ गई थी। और उपद्रव से भर गई। और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, और परमेश्वर ने जब संसार पर, सृष्टि पर क्या करी, अपनी निगाह को दोहराया, तो क्या देखा? तो क्या देखा? कि वह बिगड़ी हुई है। कि ये क्या हुई है? बिगड़ी हुई है। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। क्योंकि पृथ्वी पर सब रहने वाले प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन क्या कर लिया था? बिगाड़ लिया था। हालेलुया। तभी परमेश्वर का गुस्सा भड़का था, तभी परमेश्वर का क्रोध भड़का था, और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया था। हालेलुया। उस समय में हम नूह के बारे में पढ़ते हैं, नूह ही सिर्फ धर्मी परमेश्वर की निगाह में पाया गया, और परमेश्वर ने, जैसे हमने वचन में पिछले संडे को भी सीखा था और पहले भी काफी बार सीखा हुआ है, परमेश्वर ने उसके और उसके घराने के 8 लोगों को बचा लिया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, तो जीव जंतु जानवर को नर मादा करके अपने साथ जहाज में ले चलना, परमेश्वर ने उनको ही बचाया था। हालेलुया। पहली सृष्टि से ही लोग अपनी अपनी मर्जी से चाल चलना चाहते हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपनी चाल चलन नहीं रखना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको दंड दिया, यानी कि उस सृष्टि को जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने नाश कर दिया। और आज भी हम देखते हैं कि आज भी संसार के लोग, आज भी परमेश्वर को मानने वाले लोग अपनी चाल चलन को बिगाड़ के रखते हैं, वो अपनी चाल को क्या कर लेते हैं? बिगाड़ लेते हैं, गलत कामों में आकर, गलत प्रकार के कामों में रुच करके, अपने आप को पाप में फंसा करके क्या कर लेते हैं? अपनी चाल को बिगाड़ लेते हैं। सो परमेश्वर ऐसे लोगों से बड़ी नफरत करता है, और परमेश्वर का गुस्सा जो है अपने लोगों पर भड़कता है। जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, जिस परमेश्वर ने हमें रचा, जिस परमेश्वर ने हमने बनाया, उसने अपनी महिमा के लिए बनाया था। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम बुरी चाल चले, वो नहीं चाहता कि हम उसकी दृष्टि में गलत चाल चलन वाले लोग पाए जाए। परमेश्वर चाहता है कि मैंने अपनी महिमा के लिए अपने रचे इंसान को बनाया था, इंसान को रचा था, मेरा रचा गया इंसान मेरी इच्छा के मुताबिक चले, जैसा मेरा वचन बताता है, जैसा मैंने कहा है वैसी ही चाल चलन रखे। अगर परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमारी चाल चलन नहीं होगी, तो याद रखिए परमेश्वर हमसे नाराज होगा, परमेश्वर हमें उसका दंड भी दे। हालेलुया। पहली सृष्टि में जैसे हमने देखा, परमेश्वर ने उनको दंड दिया, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध जो है शुरू की शुरुआत में ही सृष्टि के ऊपर भड़का, क्योंकि उन लोगों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया, अपना अपना मार्ग चुन लिया। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, आपके बच्चे को उस स्कूल के कानून की पालना करनी पड़ेगी, यानी कि उस स्कूल के मुताबिक चलना पड़ेगा, उस स्कूल के जैसे बच्चे को स्टडी करवाते हैं उसी मुताबिक उसको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर बच्चा अपनी मर्जी से कहे कि मुझे ये आपके स्कूल की स्टडी पसंद नहीं, मैं तो अपनी मर्जी की स्टडी करूँगा, अपनी मर्जी का होमवर्क करके लेकर आऊँगा, तो क्या आप बताइए आपका बच्चा उस स्कूल की निगाह में, उस प्रिंसिपल की निगाह में, उस अध्यापक की निगाह में अच्छा विद्यार्थी पाया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो अध्यापक की तरह, उस स्कूल की तरह, जैसे वो चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट, हमारा स्कूल का विद्यार्थी जैसा हम चलाते हैं, जैसे हमारे स्कूल के कानून हैं, रूल्स हैं, उसी मुताबिक चले, तो उसी तरह हमारा जीवता परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसकी निगाह में जो सही है वो करें, जो उसने कानून बना रखे हैं, जो उसने नियम बना रखे हैं, जो उसने रूल्स बना रखे हैं, परमेश्वर चाहता है हम वैसे करें। परमेश्वर चाहता है कि जो मैंने आपको वचन में आज्ञा दी है आप उसी मुताबिक चलो, अगर आप मेरे बच्चे कहलाना चाहते हो। सो हमें उस स्कूल की तरह, उस विद्यार्थी की तरह, हमें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के अंडर में रह के रहना है, तभी हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं, तभी हम परमेश्वर की निगाह में एक अच्छे विद्यार्थी, अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। हालेलुया। उसी तरह से हम अपने परमेश्वर की निगाह में एक अच्छे परमेश्वर के भक्त कहला सकते हैं। हालेलुया। काफी भविष्यवक्ता, काफी पास्टर लोग, काफी प्रचारक लोग लोगों को बुरी चाल से फिरने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहते। उनको पता नहीं किस चीज का डर होता है, पता नहीं क्या डर उनके अंदर समाया होता है, वो लोगों को बिल्कुल भी बुरी चाल
फिरने से नहीं कहते, वो कहते कि लोग ऐसे ही चलते जाएं, हमारे पास आते जाएं, हमारे पास से जो है हम उनको आशीष दिलाते जाएं। आप बताइए, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेगा, परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलेगा, वो परमेश्वर से कैसे बरकत पा सकता है और कोई उनको कैसे बरकत दिला सकता है, कोई उनको कैसे आशीष दिला सकता है। ऐसा नहीं कि एक पास्टर को, एक भविष्यवक्ता को, एक प्रचारक को परमेश्वर के वचन पर चलने की जरूरत नहीं, सिर्फ लोगों को चलने की जरूरत ही है, ऐसा नहीं है। जैसे पास्टर को चलने की जरूरत है, वैसे ही लोगों को चलने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर का वचन लोगों को आज्ञा देता है, विश्वासियों को आज्ञा देता है, उसी तरह से परमेश्वर का वचन अपने प्रचारकों को, अपने पास्टरों को, यानी कि अपने भविष्यवक्ताओं को भी वैसी ही आज्ञा देता है कि तुम वैसा ही चाल चलन रखो। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, अगर वे लोगों को वचन सही नहीं सुनाते, अगर वो सही सुनाते होते तो लोग क्या होते, अपने बुरे चाल चलन से फिर जाते, यानी कि परमेश्वर की ओर मुड़ आते। उनको पता चलता कि अगर हम परमेश्वर के बीच में होकर भी गलत चाल रखेंगे तो हमारा कभी भी भला नहीं होगा, हमें कभी भी आशीष नहीं मिलेगी। अगर हम यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत में देखें, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेड़े भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते। यिर्मयाह की किताब में लिखा है 23 अध्याय उसकी 21 आयत में, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे क्या होते हैं, दौड़े जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यहां पर साबित किया, जैसे नए नियम में भी हम पढ़ते हैं कि बाइबल कहती है कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर के भेजे हुए कुछ पास्टर लोग, कुछ भविष्यवक्ता लोग होते हैं, यानी कि परमेश्वर के सेवक होते हैं। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कह रहा है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं, यानी कि परमेश्वर उन्हें भेजता भी नहीं है, परमेश्वर ने कहता भी नहीं है, फिर भी वो क्या कहते, दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करते रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें कुछ बताता भी नहीं, कुछ कहता भी नहीं, वो मेरे बिना कहे कुछ भविष्यवाणी करते रहते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, मेरे वचन में बने रहते, मेरी शिक्षा में अड़े रहते, खड़े रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, तो मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को, जो मेरे विश्वासी लोग हैं, मेरी संगत के लोग हैं, उनको क्या करते, उनको वचन सुनाते, और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते, और वे अपनी बुरी चाल और कामों से क्या होते, फिर जाते। हालेलुया। इसका मतलब वचन स्पष्ट कहता है कि कुछ ऐसे भी भविष्यवक्ता होते हैं जो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए नहीं होते। इसका मतलब स्पष्ट है कि कुछ ऐसे भी भविष्यवक्ता प्रचारक होते हैं जो बिना परमेश्वर के आत्मा से कुछ अपने तरफ से कुछ कुछ लोगों को भविष्यवाणी करते रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते और मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को मेरा वचन सुनाते, तो वे अपनी बुरी चाल से क्या होते, अपने कामों से क्या होते, फिर जाते। हालेलुया। सो हमें, जो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, चाहे पास्टर लोग हैं, भविष्यवक्ता लोग हैं, हमें लोगों को उनके बुरे मार्गों से फिरने के लिए बार बार चेतावनी देनी चाहिए, बार बार कहना चाहिए कि आप अपने बुरे मार्गों से फिरो, आप अपनी बुरी चाल से फिरो। अगर हम यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय उसकी 16 और 17 में देखें, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। इन भविष्यवक्ताओं की बातों पर और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं अपने कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, क्योंकि ये तुम्हें व्यर्थ बेकार की बातें ही सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मुख की बातें कहते हैं। ये दर्शन का दावा करते हैं यहोवा के मुख की नहीं बल्कि अपने ही मन की बातें कहते रहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, वचन कहते हैं जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं, उनसे भी जो मेरे वचन का तिरस्कार करते हैं, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, मेरे वचन के खिलाफ करते रहते हैं, उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा, कि यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, और जितने लोग
अपने हठ ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि कुछ भविष्यवक्ता ऐसे भी हैं जो मेरे आत्मा की तरफ से नहीं, यानी कि जिनको मैं कुछ किसी के बारे में बताता भी नहीं, अपनी तरफ से ही लोगों को कहते रहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया। चाहे कोई शराब पीने वाला है, चाहे कोई व्यभिचार करने वाला है, चाहे कोई गलत काम करने वाला है, चाहे कोई परमेश्वर के वचन की बिल्कुल हर तरीके से उसको तोड़ने वाला है, उसको भी ये कहते रहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। तो क्या कहता है वचन, जितने लोग अपने हठ ही पर चलते रहते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। हालेलुया। अपनी तरफ से ही लोगों को अपने पसंद की, जैसा लोग पसंद करते हैं, जैसी बातों को पसंद करते हैं, जैसी आशीषों को पसंद करते हैं, वो अपनी तरफ से ऐसे ही बोलते रहते हैं। हालेलुया। सो वचन कहता है कि ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे प्रचारक, अगर उन लोगों को मेरी बातों के बारे में, मेरे वचन के बारे में अच्छे ढंग से बताते तो लोग क्या करते, मेरी ओर मुड़ आते। हालेलुया। यानी कि अपने बुरे कामों से फिर जाते। पर हमें क्या करना है, हमें उन सारी भविष्यवाणियों को तब हमारे जीवन में पूरी होंगी जब हम अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही रखेंगे। 21 आयत में हमने क्या पढ़ा था, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं, अपने आप ही दौड़े जाते हैं, जिनको मैं कहता भी नहीं कि भविष्यवाणी करो, जिनको मैं कहता भी नहीं कि प्रचार करो, जिनको मैं कहता भी नहीं कि आप मेरी सेवा करो, वो बिना मेरी मर्जी के क्या होते हैं, दौड़े जाते हैं। हालेलुया। अगर हम इसी अध्याय की 23 अध्याय की 25 आयत को भी देखें, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है। प्रभु का वचन कहता है मैंने इन भविष्यवक्ताओं की क्या करी है, बातें भी सुनी हैं, जो मेरे नाम से कहकर झूठे भविष्यवाणी करते हैं, जो मेरे नाम से, मेरा नाम को आगे रखकर क्या करते हैं, झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या करा है, स्वप्न, सपना, दर्शन देखा है, स्वप्न, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है हमें अपने चाल चलन को सही करना है, तभी भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी होगी, तभी परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर सब लोगों की चाल चलन के हिसाब से उनको दंड देगा। अगर कोई अपनी चाल चलन से परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही नहीं रखेगा तो परमेश्वर उसको आशीष नहीं देगा। अगर कोई अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही रखेगा तो परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। हालेलुया। अय्यूब की किताब 34 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है वह प्रत्येक को अपनी चाल को क्या करता है, फल भुगताता है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की निगाह में जैसी हमारी चाल होगी वैसा हमें क्या करेगा, परमेश्वर फल देगा। यानी कि अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा फल देगा, अगर हम बुरी चाल रखते हैं तो परमेश्वर हमें बुरा फल देगा। हालेलुया। अगर कोई अपनी बुरी चाल से ना फिरेगा तो परमेश्वर जो है अपना फैसला बदल लेगा। अगर हम अपनी चाल को बदल लेते हैं, अगर हम अपने परमेश्वर का वचन सुनते हैं या परमेश्वर के सेवक हमें चेतावनी देते हैं, हम अपने फैसले को क्या, हम अपने बुरी चाल को क्या करते, बदल लेते हैं, तो लिखा है परमेश्वर भी अपना फैसला बदलेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा दयालु है, परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है। परमेश्वर किसी को दुख देने से कभी भी खुश नहीं होता, प्रभु किसी को दंड देने से कभी भी खुश नहीं होता। सो जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को दुखी देखकर कभी खुश नहीं होते, यानी कि कभी सुख प्राप्त नहीं करते, तो उसी प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमारी रचना की है वो हमें दुख देकर कभी भी खुश नहीं होता। वो नहीं चाहता मेरा रचा गया इंसान को मैं दंड दूं, वो नहीं चाहता कि मैं अपने रचे गए इंसान की क्या करूं, उसको दंड दूं, उसको जो है बहुत गलत तरीके से मैं उनका नाश करूं। सो परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि मेरा रचा गया इंसान अपनी बुरी चाल से फिरे, तो परमेश्वर उनके लिए क्या कहता है, बार बार चेतावनी देता है अपने सेवकों के जरिए, अपने लोगों के जरिए, किसी के भी जरिए परमेश्वर चेतावनी दे सकता है। सो जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के दुख को देखकर
कभी भी खुश नहीं होते, उसी प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर भी हमारे दुख को देखकर कभी भी खुश नहीं होता। वो हमें दुख देखकर कभी खुश नहीं होता, वो कभी भी हमें जो है दुखी देखकर भी खुश नहीं होता। वो चाहता है कि हम खुश रहें, हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में होकर परमेश्वर की बरकतों के वारिस बन सकें। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपना चाल चलन रखना है। परमेश्वर नाराज होता है जब हम उसके वचन के मुताबिक नहीं चलते, यानी कि हम जब हम अपनी चाल चलन को बिगाड़ लेते हैं परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है, पर जब हम अपनी चाल चलन का सुधार करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश भी होता है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को बार बार चेतावनी दी, अपने दास योना को भेज के चेतावनी दी कि तुम लोग सुधर जाओ, अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे शहर को नीनवे को पलट दूंगा। हालेलुया। सो उन लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, परमेश्वर के दास पर विश्वास करके क्या किया, अपने अपने मनों को फिरा लिया, और लिखा है परमेश्वर ने भी उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया, क्योंकि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को दुखी देकर खुश नहीं होते, उसी प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर भी अपने बनाए गए इंसान को दुखी देकर खुश नहीं होता। सो परमेश्वर दयालु है, वो क्षमा करने वाला, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी चाल चलन से क्या हो जाएं, सुधर जाएं, हम अपनी चाल चलन को सही कर लें ताकि परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर ना आए, हम अपने जो अपराधों के लिए पश्चाताप कर लें, हम माफी मांग लें, हम तोबा कर लें, हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह की किताब 26 अध्याय उसके 3 आयत में देखें, संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें, संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से क्या हो रहे फिरें, और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं, और मैं उनकी हानि करने से जो मैंने उनके लिए सोची है मैं पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना, जो मैंने उनकी कामों के कारण, उनके पापों के कारण ठाना था। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो अपनी बुरी चाल से फिरते हैं तो मैं भी जो उनकी हानि करने की मैंने सोची थी मैं भी पछताऊंगा। हालेलुया। सो मैं भी उनकी हानि नहीं करूंगा। 26 अध्याय उसकी 13 आयत को भी पढ़ दीजिए, इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए आप अपना चाल चलन क्या करो, अपने कामों को क्या कर लो, सुधार कर लो, और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो, और अपने परमेश्वर यहोवा की बात को क्या करो, मान लो, तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। तब उस विपत्ति के विषय में परमेश्वर ने जो चर्चा आप लोगों से की है, अगर आप मेरे वचन के मुताबिक नहीं चलोगे, मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं चलोगे, मेरे वचन के मुताबिक आपका चाल चलन नहीं होगा, तो क्या करूंगा मैं, उस जो विपत्ति आपके ऊपर डालने की सोची है अगर आप बदल जाओगे तो मैं भी तुम्हारे ऊपर जो हानि करने की सोची थी मैं भी उससे पछताऊंगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय की 14 आयत में लिखा है, यदि मेरे लोग अपनी, मेरी प्रजा के लोग अपनी बुरी चालों से फिरें तो मैं उनकी सुनकर क्या करूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश ज्यों का त्यों हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज ज्यों का त्यों हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपका पंजाब, आपका लुधियाना ज्यों का त्यों हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपका इलाका, आपका मोहल्ला ज्यों का त्यों हो जाए, तो आपको अपनी बुरी चाल से फिरना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर करें, सब कुछ आपका देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपकी चाल चलन के हिसाब से आपको फल देगा। परमेश्वर के दास यूसुफ के बारे में आपने बाइबल में से काफी बार पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। लिखा है कि यूसुफ अपनी चाल चलन में खरा था, तभी परमेश्वर ने उसको आशीष किया। सो उसने अपने चाल चलन को कभी भी खराब करने की कोशिश नहीं की, बल्कि कितनी बार उसके जीवन में ऐसे अवसर आए, मौके आए कि वह अपनी चाल चलन को खराब कर ले, यानी कि उसका चाल चलन बिगड़ जाए, पर बाइबल बताती है कि उसका चाल चलन नहीं बिगड़ा। किसी भी प्रकार के अवसर को उसने इस तरीके से नहीं लिया कि मैं अपने चाल चलन को बिगाड़ लूं, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी बेटा था। हालेलुया। वो बुरे के बदले में बुरा नहीं करने वाला था, वो आशीषी था। तभी वचन कहता है कि उसके आने से मिस्री के घर में भी परमेश्वर ने क्या दी, यहोवा ने आशीष दी। हालेलुया। सो वो एक आशीषित बंदा था, एक अच्छे साफ सुथरे चरित्र का बंदा था। तभी उसने किसी भी
इस तरीके से अवसर को, मौके को ऐसा नहीं समझा कि मैं अपनी चाल को खराब कर लूं, क्योंकि उसको अपने दर्शन का पता था, उसको अपने सोच विचार का पता था, उसको अपने परमेश्वर के बारे में पता था, हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर किस कामों से खुश होता है और किस कामों से खुश नहीं होता। तभी परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित किया, तभी परमेश्वर ने उसको इतनी बरकत दी। नीति वचन 16 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया, अगर उसने अपने चाल चलन की चौकसी करी तभी वो अपने प्राण को बचा पाया। उसने किसी भी अवसर को, अपने अंदर ऐसा मौके को अपने अंदर ऐसा नहीं समझा कि मैं अपनी चाल चलन को बिगाड़ लूं। वो साफ चरित्र का, साफ करैक्टर का बंदा था। परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। बेशक उसके भाई उसके, वचन कहता है कि शत्रु बन गए थे, तभी तो उन्होंने कितना उसके साथ बुरा किया, कितना उसके साथ गलत व्यवहार किया, पर लिखा है कि उसने अपने भाइयों से उल्टा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वो एक खरा इंसान था। वो अपनों के प्रति भी खरा था और दूसरों के प्रति भी खरा था। हालेलुया, नीति वचन 16:7 में लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उनसे मेल कराता है। हालेलुया, यूसुफ के भाई उसके शत्रु बन चुके थे, पूरी तरह से उसके शत्रु थे। बेशक कहने में उसके भाई थे पर पूरी तरह से शत्रु थे। तभी उन्होंने कितना उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जब यहोवा को यूसुफ का चाल चलन भाया, दिखा है कि वो उसके भाई जो है उसके पास आ गए। हालेलुया, सो उसके शत्रुओं से भी परमेश्वर ने उनका क्या किया, मेल कराया। सो वचन में क्या लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया, अगर यूसुफ के विपरीत हम शिमशोन के बारे में देखें तो उसने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया, तभी तो परमेश्वर ने उसका नाश किया। परमेश्वर उसके खिलाफ हो गया क्योंकि उसने अपने अपनी चाल को बिगाड़ लिया था, जबकि वो जन्म से ही वचन कहता है कि परमेश्वर का नासीर था। हालेलुया, फिर भी उसने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया क्योंकि उसके पास ऐसा मौका मिला, अवसर मिला कि उसने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया। अगर हम इसके दूसरी तरफ देखें तो यूसुफ के पास भी मौका था, उसने अपने चाल चलन को बिगाड़ा नहीं। हालेलुया, अय्यूब की किताब 34 अध्याय उसकी 21 आयत में पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती। परमेश्वर की आंखें मनुष्य के किसके ऊपर लगी रहती, चाल चलन के ऊपर लगी रहती हैं। और वह उसकी सारी चाल को देखता और वह उसकी सारी चाल चलन को क्या करता है, देखता रहता है। परमेश्वर इंसान की अच्छी चाल को भी और बुरी चाल को भी देखता रहता है। प्रभु की दासी रूत के बारे में हम देखते हैं, रूत एक शुद्ध चाल चलन की थी। जब उसके पति की डेथ होगी जवानी के दिनों में, लिखा है कि उसने किसी जवान पुरुष की ओर नहीं देखा, यानी कि वो अपनी सास के प्रति इतनी वफादार थी। वो अपने, जब उसने परमेश्वर के वचन को जान लिया, मान लिया, वो परमेश्वर के वचन के प्रति कितनी वफादार थी, तभी तो उसने जवानी की उम्र में जब उसके पति की डेथ होगी अपनी सास के साथ जाने को तैयार होगी। उसने पीछे मुड़के नहीं देखा। वचन कहता है कि उसको आगे जाकर कितनी आशीष मिली, वो दाऊद की परदादी बन गई। हालेलुया, भजन संहिता 86 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे परमेश्वर कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता। हालेलुया, आपने अपनी चाल को खरा रखना है अगर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे हर प्रकार की आशीष दे, तो आपको अपनी चाल चलन को साफ सुथरा पवित्र रखना है। हालेलुया, नीति वचन 11 अध्याय उसकी 20 आयत में देखें, जो मन के टेढ़े हैं, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, उनसे यहोवा को क्या आती, नफरत आती है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से क्या रहता है, खुश रहता है, उन्हीं लोगों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मसीह की चाल क्या हो, परमेश्वर के योग्य हो, अच्छी हो, पवित्र हो, दुनिया के समान ना हो, दुनिया के लोगों के समान। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका चाल चलन हो। आजकल के कितने विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े, हमें बस इब्राहिम जैसी आशीषें मिल जाए, हमें यूसुफ जैसी बरकतें मिल जाए, पर हमें करना कुछ ना पड़े। जिस प्रकार से उन्होंने सैक्रिफाइस किया था वैसा हमें कुछ ना करना पड़े, बस उन जैसी आशीषें हमारे जीवन में आ जाए, उन जैसी बरकतें हमारे जीवन में आ जाए, उनके जैसा चाल चलन हमें ना रखना पड़े, हम तो अपने ही चाल चलन में चलते जाएं, पर
आशीष हमें अब्राहम जैसी मिले, इजहाक जैसी मिले, यूसुफ जैसी मिले, मूसा जैसी मिले, उनके जैसी आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, पर उनके जैसे सेक्रीफाइस को, त्याग को अपने जीवन में नहीं लेना चाहते। ऐसे लोग याद रखिए, कभी भी परमेश्वर के वचन पर बिना चले आशीष नहीं पा सकते। जब तक आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर के वचन पर फॉलो नहीं करेंगे, याद रखिए आप धोखे में हैं, और आपको बिना परमेश्वर के वचन पर चले कुछ भी नहीं परमेश्वर से मिलने वाला। फिलिपियों की किताब 1 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है, हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। हमें अपने चाल चलन को परमेश्वर के योग्य बनाना है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक बनाना है, तभी हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं, तभी हम परमेश्वर से बरकत पा सकते हैं। आज इंसान के पास सब कुछ होता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, बड़े बड़े डिप्लोमे होते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स की होती है, फिर भी वो दुखी रहता है, परेशान रहता है, अशांत मन का होके रहता है, फिर भी अकेला अकेला अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि उसने अपनी चाल चलन को बिगाड़ लिया है, उसने अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं रखा। इसलिए सब कुछ होते होते भी वो क्या रहता है, अपने आप में खाली होता है। और कुछ उसके उल्ट ऐसे लोग होते हैं जिनके पास देखने में कुछ नहीं होता, फिर भी वो आनंदित होते हैं, हालेलुया, फिर भी वो खुश होते हैं, फिर भी वो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ रखते हैं, हालेलुया, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन होता है, परमेश्वर की शांति होती है, परमेश्वर उनको ऐसा लगता है कि मेरे संग संग चल रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने चाल चलन को रखते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े डिप्लोमे, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स आपको तब तक कुछ नहीं दे सकती जब तक आप परमेश्वर के वचन पर सही नहीं चलेंगे। आपको परमेश्वर के वचन पर चलकर ही, यानी कि अपना चाल चलन परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही रखकर ही आपको बरकत मिल सकती है, हालेलुया। अगर हम आगे की किताब 1 अध्याय उसकी 5 और 6 में पढ़े, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपनी अपनी चाल चलन पर क्या करो, ध्यान दो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुमने बहुत सारा बोया फिर भी कम काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम खा भी लेते हो फिर भी तुम कहते हो कि हमारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम पीते भी बहुत हो, बढ़िया बढ़िया पेय पदार्थ पीते हो फिर भी तुम कहते हो कि हमारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, तुम कपड़े पहनते हो फिर भी तुम गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है, और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई को क्या करता है, छेद वाली थैली में रख लेता है, उसको पता ही नहीं चलती मेरी कमाई कहां पर गई, मेरी बरकत कहां पर गई, क्योंकि उनका चाल चलन परमेश्वर के वचन के मुताबिक ठीक नहीं होता। यहां पर परमेश्वर ने लोगों को अपना भवन बनाने के लिए किया, तो लोगों ने टाल मटोल किया, तो यहां पर वचन क्या कहता है, यहोवा का भवन बनाने का समय अभी लोग कहते कि नहीं आया, फिर यहोवा का वचन हाग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, और 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, हालेलुया। सो वचन हमें बहुत जगह पर अपनी अपनी चाल चलन के बारे में बताता है कि आप अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, आप अपने चाल चलन को बदल डालो, आप अपने चाल चलन जैसा चलते थे उस चाल से क्या हो रहा है, मन फेरा लो, हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहता है, अगर आपका चाल चलन परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है, परमेश्वर की निगाह में ठीक नहीं है, तो आपको अपना चाल चलन सही करना है, चाहे वो चाल चलन आपके करैक्टर से संबंधित हो, चाहे वो चाल चलन आपके व्यवहार से, आपकी डीलिंग से संबंधित हो, चाहे आपका जो चाल चलन है वो किसी भी रीति से हो। चाल चलन का मतलब होता है हमारी दिनचर्या, हमारा उठना बैठना, हमारा किसी को देखना, हमारा किसी से बातचीत करना, हर चीज वो व्यवहार में आती है, हर चीज वो चाल चलन में आती है, यानी कि हमने अपने बोल चाल को परमेश्वर के वचन के मुताबिक रखना है, हमने अपने करैक्टर को परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही रखना है, हमने कोई भी ऐसा नशा, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो वचन के मुताबिक नहीं है, हालेलुया। सो वचन के मुताबिक हमें अपना चाल चल रखेंगे तो परमेश्वर से हम बड़ी बरकत पाएंगे। परमेश्वर ने हमें अपने बच्चे, अपनी संतान बनाया है, और वो अपनी संतान को सब कुछ देना चाहता है। काफी लोग कहते हैं कि वो तो परमेश्वर का बंदा है, परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का बेटा है, फिर भी उसके ऊपर दुख क्यों है, फिर भी उसके ऊपर तकलीफें क्यों है, फिर भी उसके ऊपर मुसीबतें क्यों है। आप याद रखिए, बाइबल यहां कहीं
कहीं भी नहीं बताती कि जो लोग परमेश्वर को मानते हैं उनके ऊपर दुख नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, पर हमें अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही रखना है ताकि परमेश्वर जब भी हमारी स्कैनिंग रिपोर्ट करे, जब भी हमारा एक्सरा करे, तो हम उसके वचन के मुताबिक हमारी चाल चलन जो है बिल्कुल ठीक हो। हालेलुया। सो आज आपको सोचना है परमेश्वर का वचन किस किस से बात किया है कि हमें अपनी चाल चलन को सुधारना है, हमें अपने बुरे मार्गों से, बुरे कामों से, अपने पापों से फिरना है, तभी परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाएगा, तभी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, तभी परमेश्वर आपके शत्रुओं का आपसे मेल कराएगा, तभी परमेश्वर आपको हर सुख सुविधा प्रदान करेगा, तभी परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की बरकत देगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, बरकत दे, और आप सब जन अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के मुताबिक बनाएं और परमेश्वर की सच्ची संतान बने। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर किसी के पास प्रार्थना का विषय है तो आप हमें बता सकते हैं ताकि छोटी छोटी आप सबके लिए प्रार्थना की जा सके, और उसके बाद हम लास्ट दुआ में चलेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, वचन के द्वारा बरकत दे, और आप अपने चाल चलन पर ध्यान दे। आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा काम है, आपकी जिंदगी ऐसी कौन सी बातें हैं, आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से कार्य हैं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक ठीक नहीं है, यानी कि परमेश्वर का वचन उस चीज की इजाजत नहीं देता। परमेश्वर का वचन अगर आपको उस चीज की इजाजत देता है तो आप करिए, अगर परमेश्वर के वचन के मुताबिक आपका चाल चलन ठीक नहीं है तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलना है, हमें परमेश्वर के योग्य चलना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई प्रार्थना का विषय है तो आप हमें बता सकते हैं। छोटी छोटी प्रार्थना जो है, विषय जो है आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। सिस्टर कविता चौहान जी हैं, उनके परिवार के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, बहन कविता चौहान के पूरे परिवार को, पेरेंट्स को, मम्मी को आशीष दो। घर परिवार में उनके सुख शांति दो, किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। खुदावन्द यीशु के नाम में हमें। बहन दीपिका परमार है, परमेश्वर उनके परिवार को आशीष दे, उनके परिवार को सुख शांति दे। परव अरोड़ा हैं, उनकी मम्मा और दादी ठीक नहीं है। पैर पे पूछी भाई परव की मम्मी और दादी को आशीष दो, उनको छू लो, उन पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उनको तंदुरुस्ती बख्श दो। सारी तकलीफ से खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो आजादी पाएं, तेरी कृपा में बढ़ते जाएं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। भाई कमलेश कुमार के परमेश्वर पूरे परिवार को आशीषित कीजिए, उनकी पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग, पूरे परिवार तेरे हाथों में सुरक्षित रहे, उनके काम काज में आशीष आए, खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आशीष कुमार के खुदावन परिवार को आशीष दो, उनके पापा जी को चंगा बड़ा कर दो, भाई सुखदेव पर दया करो, सिर से लेकर पांव की तर तक सारी उनकी बीमारी, कमजोरी, तकलीफ खुदावन यीशु के नाम में दूर हो जाए और भाई सुखदेव पूरी रीति से चंगे भले हो जाए, खुदावन यीशु के नाम में आमीन। बहन मोनिका अनुराग वर्मा है, प्यार प्रभु जी आप उनकी पूरी फैमिली को आशीष दो, उनके पूरे परिवार को तंदुरुस्त रखो, उनके घर में अपनी सच्ची शांति, अपना सच्चा आनंद और प्रेम बना के रखो, खुदावन्द यीशु के नाम में आमीन। भाई अमित जायसवाल के पूरे परिवार को प्रभु जी आशीष दीजिए, उनके मम्मी पापा को, उनके दादाजी को, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, भाई बहनों को, सबको आशीष दो, सुख शांति बरकत दो, खुदावन्द यीशु के नाम में आमीन। भाई सोनू शाह की जो भाई की दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, प्यारे पप्पू जी भाई सोनू शाह के फ्रेंड की तबीयत को चंगा भला करें, सारी तकलीफ से उनको आजाद कर दो, खुदावन्द यीशु का गढ़ा खून उनके जिस्म पे लगाकर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दो विदा, खुदावन्द यीशु के नाम में आमीन। आशीष लमन के पूरे परिवार को प्रभु जी आशीष दो, उनकी मम्मी को, पापा को, इस बच्चे को आशीष दो, सेहत में चंगाई दो, लंबी उम्र दो, तंदुरुस्ती दो, उनके हाथों के काम पे बरकत दो प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। अगर किसी का कोई प्रार्थना का विषय है वो जल्दी जल्दी बता दें। सिस्टर मेगा अजय अरोड़ा है, प्रे फॉर उर्मिला ग्रोवर, प्यार पप्पू जी बहन उर्मिला ग्रोवर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको जो काफी समय से बुखार से पीड़ित हैं, उनको फीवर की सारी तकलीफ से आजाद कर दीजिए, प्रभु यीशु मसीह का गाढ़ा खून जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया पिता उनके जिस्म पे लगा के बहन उर्मिला ग्रोवर को चंगाई बख्श दो, शिफा दे दो, ताकि वो बहन पूरी रीति से चंगी भले हो जाए और उनकी सारी शरीर की कमी घटी, खुदावन्द यीशु के नाम में ब्लड की कमी घटी दूर हो जाए, तेरी दया मांगते हैं, खुदावन्द यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन।
भाई कार्तिक प्रीता के पूरे परिवार को प्रभु जी आशीष दो, उनकी पत्नी, इनके बच्चों को, घर परिवार में सुख शांति दो, किसी वस्तु की इनके जिम्मे घटी ना होने पाए, तेरा दया वाला तेरा सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर बना रहे, खुदा यीशु के नाम में, अमीन अमीन अमीन। प्यारे प्रभु जी सब देखने वालों को सुनने वालों को आशीष दो पिता परमेश्वर, सबके जीवनों में आशीष दो भाई, भाई विष्णु और बहन संगीता के लिए दुआ करते हैं, आप उनको आशीष दो, तंदुरुस्त करो, मम्मी को चंगा भला करो, उनकी मोम पर दया करो, कृपा करो, रहम करो पिता, हालेलुया हालेलुया। बहन परवीन रानी लगा फिलोर से खुदावंद उनकी बेटी रीमा को चंगा भला कर दो, जो भी उनके जिस्म में तकलीफ कमजोरी है खुदावंद यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता परमेश्वर। भाई सुनील के पूरे परिवार को आशीष दो, उनकी मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को, सबको आशीषित करो, उनको चंगा भला रखो, सेहत में चंगाई देके रखो, सारी कमजोरी वीकनेस से आजाद करके रखो, उनकी पत्नी को भी आशीष दो, खुशियों वाला जीवन दो, नई नई बरकतें उनके जीवन में दो पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर किसी का प्रार्थना का विषय रह गया है तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए जल्दी जल्दी प्रार्थना करें। सौरभ भट्टी हैं, ब्रदर हैप्पी के को बच्चे की आशीष मिले। प्यारे पप्पू जी भाई हैप्पी जो हैं सरपंच कॉलोनी से हैं, उनको बच्चे की आशीष मिल जाए, हर प्रकार की रुकावट खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता, तेरी देह उनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं। भाई सौरभ भट्टी उनके भाई, उनके मम्मी को, पापा को, उनके दादाजी को चंगा भला करो पिता, उनके उनको अपने खून में ठाम के रखो, तेरी देह मांगते हैं पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। बहन सुब्रा मिश्रा है, उनके पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं, उनकी फ्रेंड की डॉटर को जो कलकत्ता में है उनकी मैरिज हो जाए, उनके जीवन में सुख शांति दीजिए, दया कीजिए, रहम कीजिए, अनुग्रह कीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। बहन रितिका वर्मा है, उनके हेयर फॉल की सारी प्रॉब्लम खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए, बालों की सारी समस्या जाती रहे परमेश्वर, अपने बेटे सु का गाढ़ा खून उनके जिस्म पे लगाए, उनके बालों पे लगाए, उनको पूरी तरह शिफा बख्श दीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। भाई अमरजीत सियान साहब है, प्रेम प्रभु जी भाई अमरजीत को, भाई गुरिंदर को आशीष दो, उनका अच्छे जीवन साथी प्रदान करो परमेश्वर, का घर बसने मदद करो, आंटी जी को चंगा भला करो, आंटी सिमर पर दया करके कृपा करके उन पर रहम करो, कृपा करो, आशीषों वाला खुशियों वाला जीवन दो खुदा यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। अगर किसी का प्रार्थना का विषय है तो एक दो मिनट में बता दीजिए, उसके बाद हम लास्ट दुआ में चलेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे, प्राय प्रभु जी अनुग्रह निवास पर तेरी बरकत मांगते हैं, भाई सोनू शाह के, भाई जसविंदर सिंह के परिवार पर तेरी बरकत मांगते हैं, बहन परवीन रानी को, भाई राजेश कुमार को, बहन अंशिका को आशीष दो खुदावन, भाई विष्णु को, बहन संगीता को, बच्चे ज्ञानू को बरकत दो, बहन दीपिका परमार के और भाई गोगी सरबजीत को आशीष दो, खुशियां दो, सुख शांति दो, बहन तमन्ना के परिवार में उनके पूरे परिवार पर छोटे से लेकर बड़ों तक सब पर अपनी आशीष बनाए रखो खुदावन, तेरी कृपा मांगते हैं। बहन सुब्रा मिश्रा के पूरे परिवार को आशीष दो, बहन आरती होंडा है उनके घर में सुख शांति दो, उनके परिवार को आशीष दो खुदावन, उनके परिवार में उनके जीवन में बड़ी बरकत तेरी आशीष बनी रहे खुदावन, तेरी कृपा मांगते हैं। भाई सरबजीत सिंह की थ्रोट की सारी इन्फेक्शन खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए, भाई ज्ञानजीत की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं, उनके बुजुर्ग पापा जी को छू करके चंगा भला करो, बच्चे अंगद पर भी दया करो, रहम करो, सारी खुदावन यीशु मसीह के नाम में उनके घर की प्रॉब्लम दूर हो जाए, तेरी दया मांगते हैं पिता, तेरा अनुग्रह मांगते हैं, हालेलुया थैंक यू जीसस। बहन सलोनी परिवार, सलोनी दीवान को भी आशीष दो पिता परमेश्वर, उनके घर में सुंदर बच्चे की आशीष दो, हर प्रकार की रुकावट दूर हो जाए परमेश्वर, तेरी कृपा तेरी दया बहन के ऊपर उनके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। भाई अमित कुमार को, भाई इलम चंद को, बच्चे परव अरोड़ा को, भाई अमित जायसवाल को परमेश्वर आशीषित करो, किसी के जीवन में कोई कमी घटी ना रहने पाए, सब तेरे वचन के मुताबिक सही चलते चले जाए। बहन मेघा अजय अरोड़ा की बीपी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, अपने बेटे सु का गाढ़ा खून उनके जिस्म पे लगाएं और उनको चंगा भला रखें, आने वाले दिनों में नई नई खुशियों से उनको माला माल करें पिता, हालेलुया। बहन रीनू को, भाई रीनू कुमार के पूरे परिवार को आशीष दो, उनकी पत्नी बहन संगीता को, उनके भाई के परिवार को, छोटे बड़े बच्चों को, सबको आशीषित करो, सबको चंगा भला रखो, तेरी दया मांगते हैं, तेरी कृपा मांगते हैं। बहन रितिका वर्मा के पूरे परिवार को परमेश्वर आशीषित करो, आनंदित करो, हालेलुया हालेलुया। अगर किसी का
कोई प्रार्थना का विषय रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम बाद में सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहनों के सिर ढके होने चाहिए, लास्ट दुआ में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया, तेरी तारीफ करते हैं। आज के शाम की लाइव स्ट्रीम मैसेज पर, वर्षी पर आपने आशीष दी, तेरे लोगों ने बरकत पाई, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्रिया करते हैं, आप अपने वचन के मुताबिक आप अपने लोगों की चाल चलन बनाए जो तेरी निगाह में सही है, जो तेरी दृष्टि में सही है। खुदावंद होने दे तेरे लोगों का चाल चलन वैसा बन जाए ताकि ये समाज में जहां भी जाएं खुदावंद लोग इनके चाल चलन को देखकर तेरी महिमा करने पाए, क्योंकि खुदावंद आपने अपने लोगों को, अपनी संतान को, अपने बच्चों को, हम सबको रचा भी इसलिए है ताकि हम इस संसार में रहते हुए आपकी महिमा करें। होने दे पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन का चाल चलन तेरी इच्छा, तेरे वचन के मुताबिक हो जाए और सब लोग अपने चाल चलन को तेरे वचन के मुताबिक करते हुए तेरे से आशीषे पा सके, तेरे से बरकते पा सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग अब तक जुड़े रहे, खुदा उन सबों को स्वर्ग से बड़ी आशीष दीजिए। उनके जीवन की कमियां घटियां क्या है खुदावंद आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता, और आप ही सबके जीवन की कमियों घटियों को दूर कर दीजिए पिता, किसी जीवन में किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाए। आपकी आशीषें, आपकी बरकतें, आपकी खुशियां, आपकी चंगाई इनके जीवनों में भर भर के आने पाए परमेश्वर। जो लोग सच्ची रीति से आपके वचन पर चलने का खुदावंद प्रण करते हैं, आप उनके जीवनों में आशीषों की बरसात कर दीजिए, उनके जीवन में आशीषों को रिलीज कर दीजिए और स्वर्ग से ऑर्डर कर दीजिए पिता, ताकि इनके जीवन की वो रुकी हुई आशीषें जो इनके चाल चलन की वजह से रुकी हुई थी, इनके घर में, इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, अभी से इसी टाइम राइट नाउ रिलीज होने पाए। आपके बेटे यीशु की बरकत इन सबके जीवनों में आने पाए पिता, किसी के जीवन में कोई ऐसी बात न रहने पाए जो तेरे वचन के खिलाफ होने पाए, सबका जीवन तेरी महिमा करने वाला हो जाए। और खुदावन आप अपने सारे बच्चों को, छोटे बड़ों को, बुजुर्गों को, जवानों को, सबको आशीष दो। हमारे पंजाब को पूरी तरह से नशे से आजाद कर दो पिता परमेश्वर, जवान बच्चे अच्छी रीति से खुदावन जान जाएं कि नशा हमारी सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए खराब है। हालेलुया, खुदावन ये आंखों से भी अंधे हैं और अकल से भी अंधे बनते जा रहे हैं, क्योंकि शराब के ऊपर, सिगरेट बीड़ी के ऊपर साफ लिखा होता है कि नशा करना सेहत के लिए हानिकारक है। खुदावंद ये आंखों से पढ़ते हुए भी उसको पीते हैं, इसका मतलब ये आंखों से अंधे हैं। ये सुनते हुए भी ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये अकल से अंधे हैं। पिता हमारे समाज को, हमारे पंजाब को पूरी तरह से, जवान पीढ़ी को नशे से आजाद कर दीजिए पिता, ताकि हमारा समाज पूरी तरह से नशे से आजाद हो जाए पिता, और खुदावंद जवान पीढ़ी का भविष्य अच्छा बनता चला जाए परमेश्वर। तेरे लोगों के लिए बड़ी आशीष, बड़ी बरकत मांगते हैं। प्रेटावर की सारी कलीसिया को आशीष दीजिए, सुख शांति दीजिए। प्रेटावर के सारे सेवादारों को, सीनियर कमेटी के मेंबर्स को, जूनियर कमेटी के मेंबर्स को, सारे के सारे वॉलंटियर्स को, सारी की सारी वर्शिप टीम को, सारी की सारी मीडिया टीम को, और एसपीटी की सारी कलीसिया के लिए बरकत और आशीष मांगते हैं, खुशियां और शांति मांगते हैं पिता परमेश्वर। बेशक खुदावन लॉकडाउन की वजह से हम पिछले 5-6 महीनों से मिल नहीं पा रहे परमेश्वर, फिर भी खुदावंद हम ये विश्वास करते हैं कि आपके लोग जहां जहां भी हैं तेरे हाथों में सुरक्षित हैं, और खुदावंद आप उनको सारी चीजों को मुहैया करवा रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की इस मीटिंग पर आपने आशीष दी, अपने प्रत्येक जनों को आशीष और बरकत दीजिए, हमारी एसपीटी की मीडिया टीम को आशीष दीजिए। और खुदावंद दुआ करते हैं ये कोरोना वायरस का कहर, जो कोरोना वायरस खुदावंद जो पूरे संसार में फैला हुआ है, खुदावंद हम जानते हैं लोगों के गुनाहों की वजह से, पाप की वजह से आपका गुस्सा लोगों के ऊपर भड़का है, पर फिर भी पिता परमेश्वर हम आपके बच्चे होने के नाते खुदावंद आपसे माफी मांगते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। एक बार अपनी सारी प्रजा को, सारे लोगों को माफ कर दीजिए, और खुदावंद अपने लोगों को, खुदावंद इस कोरोना के वायरस से पूरी तरह से आजाद कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम खुदावंद इनको पूरी अच्छी रीति से समझाएंगे कि आप अपने अपनी बुरी चाल से फिरो, ताकि परमेश्वर का क्रोध फिर से हमारे देश के ऊपर, खुदावंद इस समाज के ऊपर ना बरसने पाए। खुदावंद आप अपने लोगों पर दया करें, क्योंकि आप तो दया करने वाले, क्षमा करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु जी सब लोगों को आशीष दो, शांति दो, चंगा भला रखो। खुदावंद उन पुलिस कर्मचारियों के लिए दुआ करते हैं, उन मेडिकल स्टाफ के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उन सफाई कर्मचारियों के लिए और मीडिया के सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं जो बड़े रिस्क में होकर इस समय अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। पिता आप उनकी जीवन की, आप उनकी सेहत में चंगाई देना, उनके परिवारों को देखते हुए, उनके परिवारों में उनकी बच्चे हैं,
एम्बिसेस हैं, उनके बुजुर्ग लोग हैं, भाई बहन हैं, खुदावंद उनकी वजह से उनको कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, और खुदावंद वो सारे कर्मचारी अपने परिवारों के साथ सही सलामत रहने पाए, और खुदावंद कोरोना वायरस की कोई भी दो वायरस इनको छूने ना पाए परमेश्वर, और सब के सब अपनी ड्यूटी को बड़ी वफादारी, बड़ी ईमानदारी, तेरे डर में होकर करते चले जाएं। पिता धन्यवाद, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीष दो, सारे मंत्रियों के लिए बड़ी बरकत मांगते हैं, सारे ऑफिसर्स के लिए, सारे एमपीज के लिए, सारे एमएलए के लिए बड़ी आशीष मांगते हैं, सारे व्यापारियों के लिए, सारे किसानों के लिए बड़ी बरकत मांगते हैं, इन सबको अपनी महिमा के लिए चुन लीजिए, इन सब पर अपनी सच्चाई को पूरी रीति से प्रकट कर दीजिए पिता परमेश्वर, हो खुदावंद तेरे नाम को महिमा और जलाल देने वाले बन जाए खुदावंद, ताकि इस कोरोना वायरस से यूं ही ना लड़ते रहें, बल्कि तेरे परमेश्वर तेरे वचन को जानकर तेरे वचन में होकर खुदावंद इस कोरोना वायरस बीमारी का इलाज करवाने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को बहुताई से आशीष दो, प्रेयर टावर की वेस्पीटी की मीडिया टीम को आशीष दो, जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है उनको आशीष दो, जो हर समय खुदावंद हमारी इस लाइव मैसेज को करने में, लाइव वर्शिप को चलाने में हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, उनको स्वर्ग से बड़ी आशीष देना, किसी के जीवन में किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाने वाले, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु जी, एक एक जन के लिए तेरी आशीष तेरी बरकत स्वर्ग से मांगते हुए प्रार्थना को खुदावंद यीशु के सामर्थी जिंदा जलाली और पवित्र नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको शांति दे, आप सबको बरकत दे, और आप सब जन परमेश्वर के नाम में बढ़ते जाएं, परमेश्वर आप सबके घरों में परिवारों में नई नई खुशियां, नई नई बरकतें और नई नई आत्मिक उन्नति आपके जीवनों में हमें देखने को मिले। परमेश्वर से ऐसी कामना करते हैं, परमेश्वर से ऐसी दुआ करते हैं, परमेश्वर की सच्ची शांति आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके व्यापार में, आपके कारोबार में, आपकी ड्यूटी में बनी रहे। आमीन। जय मसीह।